आदमखोर बाघ ने 9 लोगों का शिकार कर लिया है और अब जो है वन अधिकारी जाल लेकर निकल गए हैं। आदेश जारी कर दिया गया है कि आदमखोर को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, यानी उसकी जान ले लेनी है। यह आदेश जारी किया गया कल और आज अब वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि आदमखोर बाघ ने आज और 2 लोगों को शिकार बनाया और उसके शिकार की कुल संख्या 9 हो गई है। बगहा से ये खबर लगातार आ रही है। आदमखोर बाघ जिसके मुंह में खून लग गया है, इंसानी खून, और वो लगातार इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। आज उसके निशाने पर माँ बेटे आ गए। गन्ने के खेत में गए थे, खेत में थे वो, उसने बाघ ने आदमखोर बाघ ने उनका शिकार किया और गन्ने के खेत में ले गया। यानी लोकेशन इसका गन्ने का खेत था। उसके बाद वन विभाग को सूचना मिली तो अब गन्ने के खेत को घेर लिया गया है। वन विभाग के जो तमाम अधिकारी और कर्मचारी हैं मौके पर मौजूद हैं, जाल लेकर पहुंचे हैं। इधर ग्रामीणों ने भी कवायद तेज कर दी है इस आदमखोर बाघ के शिकार के लिए। दरअसल वन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि इस बाघ को का शिकार करना है, उसको मारना है। दरअसल मारने की बात पहले नहीं थी, पहले ट्रैंक्विलाइजर गन से उसे बेहोश कर पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, लगातार कवायद की जा रही थी, लेकिन इस कवायद के बीच 9 जाने चली गई हैं और उसके बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बगा की ये तस्वीर आई है जहां पर जो वन विभाग के कर्मचारी हैं वो जाल लेकर निकल गए हैं आदमखोर बाघ के शिकार पर। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं कि आज जो शनिवार की सुबह सुबह 7 बजे लगभग माँ बेटे जो है गोवर्धना थाना क्षेत्र के बलुआ गांव के जो रहने वाले थे बाघ के हमले में मारे गए। दरअसल ये खेत में पहुंचे थे और खेत में बाघ ने हमला बोल दिया। लगातार ये बाघ लोकेशन बदल रहा है, ऐसे में वन विभाग की परेशानी बढ़ी हुई है और ग्रामीण लगातार इस आदमखोर बाघ के निशाने पर आ रहे हैं। 9 की संख्या में है। कल काफी हंगामा हुआ था, इसे लेकर तोड़फोड़ की गई थी। वन विभाग के गाड़ियों पर हमला बोला गया था और आज भी जो खबरें आई कि वन विभाग की टीम पहुंची तो उसे बंधक बना लिया गया और उसके बाद जो ग्रामीणों का आक्रोश था वो फूट पड़ा था। उसके बाद अब संयुक्त प्रयास किया जा रहा है, वन विभाग की टीम भी लग गई है। दरअसल उसका लोकेशन गन्ने के खेत में मिला है क्योंकि बताया ये जा रहा था कि माँ बेटे के शव को वो गन्ने के खेत में ले गया था, वहां से शव को बरामद किया गया था। हालांकि जो ये आदमखोर बाघ है तेजी से अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, ऐसे में वन विभाग की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन लगातार ये आदमखोर लोगों को शिकार बना रहा है। तो अब आखिरी खोज, या कहा जाए कि अब प्रयास जो है अब आखिरी है क्योंकि इसे मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। क्योंकि अब ये बाघ जब भी नजर आएगा उसे शूट एट साइट करना है, मौके पर ही मार दिया जाएगा क्योंकि ये बाघ आदमखोर हो चुका है और आदमखोर बाघ को पकड़ना भी काफी टेढ़ी खीर है। या उसको अगर उसका उसका वध भी करना है, उसका शिकार भी करना है, तो उसके लिए भी काफी कुछ प्रयास करना होगा। तो वन विभाग की टीम उतर गई है और 9-10 एक्सपर्ट की टीम जो है वो उतारा गया है। उसके अलावा 400 लोगों को वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्हें भी उतारा गया है इस महाअभियान में कि जो आदमखोर बाघ का अंत जरूरी है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।